गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और काफ़ी देर हो गई मेरे को, ब्लॉग शुरू करता हूँ बंद कर देता हूँ, शुरू करता हूँ बंद कर देता हूँ, और ये भी खड़ा खड़ा हंस रहा है। तो भाई सीन क्या है, जब भी मैं शुरू करता हूँ या तो ठोका पीटी की आवाज़ शुरू हो जाती है, जो कि अभी आ ही रही होगी आप लोगों को, या फिर ग्राइंडर की आवाज़ आती है जर्र। तो भाई वो वीडियो के अंदर बड़ा गंदा लगता है, लोग एक समझते नहीं है यार, है। तो भाई आज हम दोनों खड़े हुए थे, वापस से साउंड शुरू हो गया होगा, अब आपको समझ ही आ रहा होगा कि भाई मैं क्यों इतनी देर से आज लेट ब्लॉग शुरू कर रहा है। तो सुबह से घसड़ घसड़ चल रही थी, इस घसड़ घसड़ के चक्कर में आज लेट हो गया ब्लॉग शुरू करते करते। और अभी जस्ट बाहर खड़ा था और भाई आए थे, भाई से मिल रहे थे, और अब हमने डिसाइड करा है एक बांध पर जाने का, वहाँ पर नहाने वाने का भी जुगाड़, नहाने वाने का जुगाड़ मिल जाएगा ना वहाँ पर, नहाने का है क्यों। वैसे ना, वैसे बांध पानी तो खूब हो गया यार जबरदस्त। तो भाई बांध है बढ़िया, कितना होगा, कितना किलोमीटर होगा, 20-22 होगा ही होगा, 20-22 25 के अंदर। हाँ तो आने जाना मतलब हमारा 50 किलोमीटर मान लो भाई, इतना ही मान के चलते हैं एक बार के लिए। तो भाई हम जाएंगे यहाँ से आगरा रोड पे है ये बांध, क्या नाम है बांध का, नाम क्या है, क्या बोलते हैं वैसे उस जगह को, कौन सा, कानोता बांध है ना, कानोता डैम। तो हम जाएंगे कानोता डैम पे और जाएंगे, लोकेशन अच्छी है, बारिश वारिश हो रही, पानी वानी होगा। तो भाई हम देख रहे हैं कि भाई एक आधा ब्लॉग शूट कर लिया जाए वहाँ जाके, और बाहर हो रही है ठोका पीटी बढ़िया वाली। तो भाई ये ठोका पीटी से वैसे आदमी परेशान हो जाता है इतनी ज़्यादा ठोका पीटी से। तो भाई ये कर रहे हैं और मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आवाज़ आ ही रही होगी। और ब्लॉग के लिए मैं इसको भी बंद कर देता हूँ, सब चीज़ें बंद करके ब्लॉग शूट करता हूँ क्योंकि साउंड ना है। फिर बाहर आते और हम दोनों अभी किस टॉपिक पर बात कर रहे थे, हम कर रहे थे देखो एक झंडा उड़ कर वहाँ आ गया, अब उसको ऊपर से उतारेगा कौन, कौन उतारेगा है, गहलोत साहब को बुलाएंगे। तो अभी ये बोल रहा हूँ कि हम गहलोत साहब को बुलाएंगे, तो भाई वो तो नहीं आएगा, कोई और ही आएगा मेरे को लग रहा है। बट यार एक चीज़ है यार, आप अगर आपने झंडे लगाए थे अपने घर के ऊपर तो उनको नीचे से भी बांधना चाहिए था ना, जिससे ऐसी हरकत ही नहीं होती भाई, क्यों, सही बात है गलत बात है, काम गलत बोल सकते हो यार। यार तू तो भाई सपोर्टर है, तू तो भाई का। तो भाई अपन तो है ना, अपन ने तो झंडों को नीचे से भी बांधा था कि उड़े ना, और अभी भी लग रहे हैं दोनों के दोनों फ्लैग। और भाई किसी ने लगाया होगा अगल बगल में तो उसका तो उड़ के और वो वहाँ जाके अटक चुका है, और इसके तो कलर भी चेंज हो गए, देख कलर भी चेंज हो चुके हैं इसके, तो देखो झंडे के तो कलर भी चेंज हो चुके हैं, ऐसे लग रहा है बीजेपी का झंडा हो। तो भाई ये भी तगड़ा सीन है। और अभी मैं कर रहा था काम, जियारी सब दोनों अंदर है, बट ठोका पीटी के चक्कर में यार मज़ा ही नहीं आया। काम क्या कर रहा था, ये एडिट कर रहा था कल का डेटा, तो ये एडिटिंग चल रही थी, तो मैं देखा यार ब्लॉग भी शुरू करते हैं, और ये भी आया हुआ था, तो इससे ही डिसाइड कर रहे थे कि कब चलते हैं। तो सैटरडे का हमारा बन रहा है प्लान जाने का, बाकी तो देखते हैं, अगर सैटरडे से पहले मौसम अच्छा हो गया तो पहले निकल जाएंगे, नहीं तो फिर सैटरडे को तो जाएंगे जाएंगे। तो जो भी रहता है देखते हैं और बनाते हैं प्लान बैठ कर, फिर आप लोगों को अपडेट कर देंगे जो भी रहेगा प्लान करते। मतलब बाहर गया था मैं कई काम से, वहाँ से मैं घर आया और मैं क्या देखता हूँ, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। तो भैया ओ भाई, यहाँ तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, तो भाई दोनों पढ़ रहे थे, ये तो मुँह छुपाएगी मेरे को पता है इसकी आदत, ये तो जानबूझ के नाटक करती है ना, है ऋषभ भाई, कितनी छुट्टियाँ मारता है तो, कितनी छुट्टियाँ मारता है यार, कल की भी छुट्टी मारी थी ना, देख ले बच्चे भी देख ले, तेरे ट्यूशन वाले का नाम रख दिया था गुटली बात, अच्छा बोला था क्या। तो भाई देख लो बच्चे भी अब कंप्लेंट करते हैं, वैसे तो टीचर नहीं, वैसे तो टीचर का फर्ज होता है कि बच्चों की कंप्लेंट करें कि आपके बच्चे आते नहीं है ट्यूशन के अंदर, बट हमारे बच्चे ऐसे हैं वो टीचर की कंप्लेंट करते हैं कि देख लो टीचर नहीं आता, देख ले भाई क्या क्या होगा विराज, तेरा क्या होगा विराज, तू इतने स्टाइल को दिखा रही दिया है दिया, वो निंजा थी ब्लॉग बना रही है, ये नलाय, ये वैसे कोई काम अच्छे करती है क्या कभी, कैटरीना कैफ दत्ताली, और कितनी स्टाइल दिखाती है, देख भाई विराज कितनी स्टाइल दिखाती है देख ले। तो भाई मजाक कर रहे थे, मजाक ऐसे ही चलता है हमारा, बड़ा गंदा मजाक चलता है। तो भाई अब अपन भी बाहर चलते हैं, मौसम अच्छा हो रखा है, तो मेरा मूड हो रहा है कहीं जाने का, बट देखते हो कोई साथ मिलेगा तभी जा पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जा पाएंगे, तो प्लान बनाते हैं किसी को साथ लेके जाते हैं और एक राउंड मार के आते हैं बढ़िया सा,
ऐसे मौसम के अंदर एक राउंड तो बनता है। तो ये दोनों को तो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये दोनों की तो चल रही है एक क्लास, इनको देते हैं पढ़ने के लिए पढ़ने। और भाई डंडा लेके बैठा कर ऐसे तेरे बस में नहीं आएंगे, मेरे को लगता नहीं है तेरे बस में आते होंगे। हमारे बस में नहीं आते, तेरे बस में तो कहाँ से आएंगे। तो भाई वही चीज़ है, तो भाई ये पढ़ा रहा है, इनको पढ़ने देते अपन निकलते हैं। क्योंकि ये उठ गया ना तो मैं बता रहा हूँ ये भी बोलेंगे हमें भी चल रहे हैं, तो भी अपन निकलते हैं फटाफट चल के आते हैं। और बाकी सैटरडे का और संडे का हमारा प्लान हो चुका है, तो जो कि आपको आने वाले समय में पता चल ही जाएगा हम कहाँ जाने वाले। तो जो भी सिचुएशन रहेगी देखते हैं उसको थोड़ा सा बढ़िया सा करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी आ रही है, भागो मत, तुम दोनों के दोनों भग रहे हो। और तू बता, तो पढ़ाई वढ़ाई होगी तेरी, इतने स्टाइल की दिखाती है ट्यूशन वाले के सामने। इधर घुमाई हो, फेस घुमाए इधर है, इतने स्टाइल को दिखाती है तू। भग जा, आई हो मत, देखो कितने स्टाइल दिखाती है। कैटरीना कैफ से भी ज़्यादा है, फेल कर डाला सच्ची। अच्छा बात तो सुन, कहाँ भाग रहा है तू? आई लव यू 3। इनफिनाइट मैंने बोला, हैव ए नाइट नहीं होता, वो इनफिनाइट होता है। अरे यार बेइज्जती हो गई तेरी तो। हट, हार गया तू। तू नहीं जीत सकता। ये कुत्ता है ना भाई, हर कार के पीछे भगता है, हैं? तो भैया मैं आप लोगों को सीन बता देता हूँ। सीन ये है कि भैया शाम को इनका ट्यूशन वाला आ गया था और मैं लग गया था काम के अंदर कोई काम निपटाने के लिए, तो अभी काम फ्री किया है। और बाहर का जो मौसम है ना भाई, आप ऊपर क्लाउड से आइडिया लगा सकते हो, क्लाउड ही क्लाउड हो रखे हैं और बढ़िया वाले क्लाउड हो रखे, ऐसे नहीं हल्के फुल्के। और ये इस समय खाना खा के बाहर घूम रहे हो और घूम तो क्या रहे, परेशान कर रही हैं दोनों के दोनों। ये देखो तो गए, तो तू यही खड़ा रहेगा, वो गए ना। गाड़ी, मैं रोड पर गाड़ी आ रही है, मैं मारूंगा भी, इधर आ जा। तो यही रह गया, तो ये रह गया यही। और पापा चले गए आगे घूमने के लिए, और भाई ये देख रहा है कि वो कहाँ गए, तो वो लोग तो निकल गए। तो भाई ये ले, तेरे को लेके नहीं गए, अल्ले तेरी बेइज्जती मार दी, अरे तेरी बेइज्जती मार दी। अच्छा नहीं मारी, वारे, वो खड़े ले, मैं लेके चलूँ। आजा चल मैं लेके चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ ना, मैं नहीं लेके जा रहा, चल इधर खड़ा जा, चल मैं मारूंगा भी ऋषभ अगर गेट से मजाक करी तो, गेट टूटता है फिर। ये देखो कैसे कर रहा है हरकतें देखो इसकी, बंदरों जैसी हरकतें। वो खड़े हुए मोहन अंकल की दुकान पे, मैं मारूंगा भी अगर नीचे उतर तू। तो भाई इसने क्या आजकल आदत अपना ली है कि भाई इसको अगर कोई काम के लिए मना करो ना तो ये ज़्यादा जानबूझ के करता है। ऐसे क्यों करता है, क्यों करता है, जो तेरे को मना कर देते हैं काम के लिए क्यों करता है। ओ भाई लेके इसको इसके डैडी नहीं गए, ठीक है, और बात करने में मुझसे लग गया, ये कह रहा आपकी वजह से नहीं गए। मैंने पेड़े दिए, मैंने आप लोगों के सामने बात ही कर रहा था ना नेचुरली। अभी इसकी इच्छा नहीं, इसकी इच्छा थी तो चल जाता, मैंने तो पकड़ा ही नहीं था इसको। मैंने पकड़ा था तेरे को, मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, इधर आके बोल, इधर आके कहाँ से खींच के लाया था, गोबर से सकल के झूठ मत बोले। गोबर से सकल के झूठ बोलता है, कीचड़। इधर आ जा। तो भैया तो इसको आज है ना, आज इसकी वीडियो के अंदर बेइज्जती हो गई है। और बेइज्जती क्या हुई है, वो लोग तो चले गए और इसको छोड़ गए। ए गंदा, तेरे को लेके ही नहीं गया आज, गंदा। चिल्ला, डैडू आके मारेंगे फिर। हेलो, इसकी सुनी नहीं। हेलो, डैडी चले गए मंदिर इसके छोड़ के, ये बेकार आदमी है। डैडी को भी पता है ये गंदा लड़का है, रोड पर भगता है इधर उधर, इसलिए इसको लेके नहीं गया। रो क्यों रहा है, देखो आज तू क्या तेरे को नहीं लेके गए, वो नहीं ले जाना चाहते थे तुझे। तू सुन रहा है क्या मेरी बात, वो तेरे को लेके ही नहीं जाना चाहते थे। अब कहाँ जा रहे हैं, मैं मारूंगा भी अगर तू हाथ से तो निकल दे, मैं तेरे को मैं मारता हूँ। है
क्यों ए गंदा, तेरे को लेके नहीं गए थे, जोता नहीं करता रोड के ऊपर। ओ भाई उसको लेके नहीं गए तो मुझे क्यों मार रहा है, तेरे को नहीं लेके गए भाई, मैं थोड़ी मेरी वजह से रुका। ये लो भाई साहब, ले तेरी हरकतों की वजह से नहीं लेके गए, मेरे को तू रो क्यों रहा है, तू मत रो, कोई बात नहीं, रो रहा है तू, आंसू आ रहे तेरे, रो तुड़ू राम। तो भाई चलते हैं और उसको इसके डैडी के पास छोड़ के आते हैं, नहीं तो ये भैया रो रो के यहाँ पे बाढ़ ला देगा, तो बाढ़ आए उससे पहले अपन इसको छोड़ जाते हैं, नहीं तो भैया मैं बता रहा हूँ ना हालत ख़राब हो जाएगी। वैसे यहाँ कीचड़ कर दिया इसने रो रो के। तो भैया अपन मंदिर वंदिर जाके आ चुके हैं, आज का अपना मतलब आज का जो पूरा शेड्यूल था ना, उस पूरे शेड्यूल को इतना तरीके से ख़त्म किया ना जिसकी कोई हद नहीं। और राइड आज मतलब इतने सारे काम किए ना, जिसमें राइड का प्लान भी बनाया, बहुत सारे मतलब छोटे मोटे काम किए, ज़्यादा नहीं किया। और भाई अभी नुकसान हो गया, अगर आवाज़ अंदर की होगी ना तो भैया कलेश हो जाएगा, इस कलेश को पहले ख़त्म करते हैं। भाई साहब ये दिया का पैन बॉक्स था, मेरे से नीचे गिर गया। तो भाई ये बॉक्स था दिया का या ऋषभ में से एक का था, बाहर रखा हुआ था, अपन इसको वापस सेफली रख देते हैं, नहीं तो भैया कलेश हो जाएगा कि बोले ये मेरा ड्राइंग बॉक्स गिरा के तोड़ दिया या फिर कुछ कर दिया। और ये देखो ये तो बैग की हालत है, बैग भी खुले छोड़ रखे हैं उन्होंने, बॉक्स यहाँ पटक रखा है, बैग खुले पड़े हैं, कुछ होश है नहीं, बस मस्ती वस्ती कर रहे थे और अंदर अभी सो गए। और भाई आज सीरियसली बताओ ना तो मेरे को बाहर लग रही है ठंड, तो भाई अपन गेट बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं यहीं पे, और रिलैक्स तो क्या कर रहे हैं कि अब नींद आ रही है अपने को बढ़िया वाली, तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया आप ब्लॉग एंड करते हैं, बाकी तो मिलेंगे कल, और कल शायद तक जल्दी मिल जाएंगे क्योंकि दिया औरों को मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। तो इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।